ناظرین 3D نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آصف نگر جھرا کے کارپینٹر جو ساگوان کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں نے آج بہت بڑی احتجاج کی ہے۔ وہ اور وہاں پر اور گوشہ محل میں اس کی بہت بڑی احتجاج ہوئی، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جیو 55 ان پر سے ہٹائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس ان کو بار بار بل پوچھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بل دیں گے چوکھٹ بنانے کے لیے، 8 دن کے بعد وہی بل لے کر آئے گا، تو پولیس بول رہی ہے کہ اب کا بل چاہیے، فریش بل، تو اسے کیسے ہو پائے گا۔ اس بات کی شکایت حیدرآباد کلیکٹر اور رنگا ریڈی کلیکٹر کو بھی دی گئی۔ یہ احتجاج 3 دن تک جاری رہے گی۔ ٹمبر بول تو کیا ہے، ٹمبر بند ہو، ٹمبر بند ہو करके पूरा रैली निकाल के जो है सो गोशा मेल पे आए सो है जीओ नंबर 55 कैंसिल करने के लिए। हम ना 3 दिन दुकान बंद रहना उसका अमेंडमेंट कर रहे सो है। कारखाने वाले, फर्नीचर वाले, सामिल वाले, टिम्बर वाले सभी दुकानों को 3 दिन के लिए बंद करा दिया है। सुबह से हम ना कोई काम नहीं चालू करेंगे, और हम ना जो एसोसिएशन फॉर्म करने वाले है वो एसोसिएशन में सब कुछ जो सब प्रोटेक्शन देंगे। जो छोटे कारखाना वाला रहे, दो बड़े कारखाना रहे, इररेस्पेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस से लेके हर चीज का, उसका वेजेस का, उसका कारखाने का, सबका जैसा सर्विस नंबर देंगे उन लोगों को, उनका जैसा लाइसेंस दिलाएंगे, सबका जैसा डेवलपमेंट करने के लिए हम जैसा ये आसिमनर का एसोसिएशन बना रहे। ये अब तक लग गया, क्यों वो आप जो है एसोसिएशन फॉर्म नहीं किया? एसोसिएशन बोल तो पहले 10 दुकान थे, अभी 100 दुकान है। अब 100 दुकान बनने के बाद एसोसिएशन खोलेंगे। पहले गोशा महल एसोसिएशन था, उसमें मेंबर है ऑलरेडी। अभी कलेक्टर साहब क्या बोले आपको? कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम इश्यू करे कि भाई पुलिस इन्वॉल्वमेंट जीओ 55 कैंसिल करो बोल के। अभी उसका जो है उन्होंने कार्रवाई करेंगे। हमारे जो है प्रेसिडेंट साहब, ट्रेजर साहब, जो भी मेंबर्स है पूरे जाके अभी एप्लीकेशन दिए, उसका रिजल्ट आने तक तो हमारे को कैसा भी टाइम पड़ेगा। दो एसपी के 3 मोटर लगते साहब, एक रंधा मशीन को लगती, एक गेज मशीन को लगती, एक सुराखों की मशीन को लगती। ये 3 मोटर के बगैर काम नहीं कर सकता, और 3 मोटर एक ही टाइम पे नहीं चलते। 3 मोटर एक ही टाइम पे नहीं चलते। एक मोटर पहले रंधा मार लेता, वो बंद कर देता, फिर उसके बाद गेज में डाल लेता, फिर वो बंद कर देता, उसके बाद सुराखा मारता। तो उस हिसाब से 2 एचपी की मोटर ही चलती कारखाने पे, उससे कम नहीं चल सकती, समझे भाई साहब। और कारपेंटरों पे जो जुल्म हो रहा है कि भाई एक ही 1 एचपी पे चलाना, हरगिज नहीं कर सकता कारपेंटर काम। 2 एचपी कंपल्सरी है, और कारपेंटर को बिल नहीं पूछना चाहिए, कस्टमर को पूछना चाहिए बिल। और कारपेंटर अगर बिल लाया भी तो अगर 10 चौखट है, 10 बना के भेज देगा तो 100 की लकड़ी और रहेगी उसके पास, तो मजीद कैसा भेजेगा? 100 का बिल 10 के साथ तो नहीं भेज सकता। तो ये डिमांड है कारपेंटर्स की। और बिल 8 दिन के बाद से आ गया आपके पास, से कहां से आया? चौखट बनने के लिए 8 से 10 दिन लगते। कारपेंटर आसिफ नगर के अंदर से ये डिमांड है कारपेंटर्स को, पूर्वों को जो जो तकलीफ दी जा रही है, तकलीफ से हमको राहत चाहिए सर। शुक्रिया।